टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फंगल इन्फेक्शन. फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, उसके कॉजेज क्या हैं, उसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, और वो हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे. For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Deepa Rajani, I'm consultant dermatologist. जैसे ही गर्मी का मौसम बढ़ता है वैसे ही हमारी OPDs में फंगल इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. फंगस जिसको हम डर्मेटोफाइट्स कहते हैं वो हमारे स्किन में सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन करवाता है. वो हमारी स्किन को डैमेज करके उसमें से अपने लिए फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को लेता है. उसे ग्रो करने के लिए एक मॉइस्ट और नमी वाला एरिया चाहिए होता है जहाँ पे वो ग्रो करे. वो एरियाज जो हमारे स्किन फोल्ड कहलाते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जैसे कि अंडर आर्म्स एरिया, अंडर लेग एरिया, अंडर ब्रेस्ट एरिया, जेनाइटेलिया, ग्रोइन एरिया और बेल्ट बांधने वाला एरिया जहाँ पे बेल्ट बांधा जाता है, तो ये वहाँ ज़्यादा ग्रो करता है. ये दिखने में रेड पैचेस बनाता है और उसके सराउंडिंग में जो इसके बॉर्डर्स हैं उस पर स्केलिंग पाई जाती है. इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इची होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग करवाता है और काफ़ी पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी कराता है. काफ़ी पेशेंट्स में जलन, बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि वो अपने रूटीन का काम सही से नहीं कर पाते हैं. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात. अब हम जान लेते हैं कि हम इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे. प्रिवेंट करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, ना कि कुछ सेल्फ मेडिकेशन करनी है और ना ही किसी के कहने पर कोई क्रीम या कोई खाने वाला कैप्सूल खाना है. अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसे अपनी पूरी हिस्ट्री बताइए. अगर आपने कोई पहले भी उस पर कोई क्रीम अप्लाई की हो या कोई मेडिसिन ली भी हो तो आप उसे हिस्ट्री दीजिए. उसके बाद अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की बात को फॉलो कीजिए कि वो आपको कितने टाइम पीरियड तक मेडिसिन खाने को दे रहा है या लगाने को दे रहा है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स बीच में ही ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं. उनको लगता है कि 1 से 2 हफ्ते के बाद जब उनके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, उनकी इचिंग कम हो जाती है या वो रैश गायब हो जाती है, तो उनको लगता है कि फंगल इन्फेक्शन गायब हो गया, जबकि ऐसा नहीं है. फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म होने में टाइम लगता है. एटलीस्ट 3 हफ्ते से 8 हफ्ते की ट्रीटमेंट दी जा सकती है, तो अपनी ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो कीजिए. उसके बाद आपको एटलीस्ट 2 बार तो एक दिन में नहाना ही है और अपनी बॉडी को अच्छे से टॉवल ड्राई करना है. टॉवल आप कॉटन का यूज़ करें तो बहुत अच्छा है, और अगर आप रोज़ अपना कॉटन अपना टॉवल चेंज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है. उसके बाद आप जो सोप यूज़ करें या जो टॉवल यूज़ करें वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वो बिल्कुल शेयर मत कीजिए, वो आप ही को यूज़ करना है. उसके बाद जो आप कपड़े पहने वो बिल्कुल लाइट वेट हो, कॉटन के हो और लूज़ क्लोथ्स हों, ना कि वो टाइट हों. अपनी उसके अलावा अपने नेल्स को आपको कट करके रखना है और स्क्रैचिंग को अवॉइड करना है. नेल्स में अगर आपको चेंजेस फील हो रहे हों, आपको लग रहा हो कि वो नेल्स आपके मोटे हो रहे हों या वो येलो हो रहे हों, तो वो भी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उससे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो नेल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन हो और उसी वजह से आपकी बॉडी में भी वो स्प्रेड हो रहा हो. इसके कॉजेस पे बात कर लेते हैं. इसके कॉजेस में ये है कि जो लोग ओवर क्राउडेड एरियाज़ में रहते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं या अपनी जॉब के लिए दूर दूर जाते हैं वो अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, तो उस वजह से भी स्वेटिंग होने की वजह से उनमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. और वो लोग जो अपनी ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है लेकिन वो अपनी ट्रीटमेंट पूरी नहीं करते, तो ऐसे पेशेंट्स में भी रिपीटेटिवली फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा जो लोग कैट्स एंड डॉग्स अपने घरों में रखते हैं उनमें भी बहुत चांसेस होते हैं कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो. इसके अलावा डायबिटिक और जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो. इसके अलावा आपको स्टीरॉयड क्रीम्स टोटली अवॉइड करनी है. अब हम ट्रीटमेंट पर बात करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट में यहाँ पे बताना फ़िलहाल नहीं चाहूँगी. उसके लिए अच्छा होगा कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करें और उन्हीं से ट्रीटमेंट लीजिए.
ओके थैंक यू, खुदा हाफिज़। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।